मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम सिंह। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था, हाँ बताइए, आपका क्या था फर्स्ट चैप्टर? इंटीजर्स। तो आपने इंटीजर्स अपना चैप्टर क्या कर लिए हैं, क्लियर कर लिए। अभी तक किसी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे अपना क्लियर, जल्द से जल्द अपना डाउट फर्स्ट चैप्टर से क्लियर कर लें। जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइजेस नहीं सॉल्व किए हैं वो कर लें, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू, उसका नेम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन होते क्या हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे इनको समझते हैं या पढ़ते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर आज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, फ्रैक्शन क्या होता है। तो आपको बुक में नहीं मिल रहा, ओपन कर लीजिए, चैप्टर आपका है टू, पेज नंबर है आपका 23, पेज नंबर 23 पे देखिए कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो ऐसा फॉर्म, किसी भी नंबर को जो हम x अपॉन y के फॉर्म में लिख दें, किसके फॉर्म में, x अपॉन y, कुछ लाइक दिस, इस तरह लिखते हैं तो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। जहां पे वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, x और y क्या होना चाहिए, हमारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। इन सबको हमने सीखना है कि फ्रैक्शन के बारे में और क्या क्या चीजें। तो कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए मैंने 3/5, तो ये क्या है, हमारा एक फ्रैक्शन है। 3 भी नेचुरल नंबर है और 5 भी नेचुरल नंबर है। 7/9, 4/5, ये सब क्या है, फ्रैक्शन, जिनको हम x अपॉन y के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बट एक्चुअल में अगर मैं ऐसे लिखता हूं 4/5, तो इंडिविजुअली इसको क्या कहते हैं एंड इनको क्या कहते हैं, दोनों के बारे में जानना जरूरी है। जब डिजिट इस डिवाइड के ऊपर लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले डिजिट को न्यूमरेटर एंड नीचे वाले डिजिट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन, जिनको हम x अपॉन y के फॉर्म में लिख सके और x y क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है मान लीजिए p अपॉन q, ये होता है आपका न्यूमरेटर और ये होता है इसको डिनोमिनेटर, किसी भी चीज को। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या है, कितने तरह के होते हैं और उनके यूजेस क्या है। तो चलिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं अपने अकॉर्डिंग, जो बहुत सबसे आपका इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, साथ साथ में आप नोट डाउन भी कर लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, आपके बुक में दिया गया होगा वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के बहुत छोटा सा और सबसे सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, जिससे आपको कभी लाइफ में वो फूलेगा नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा कि होता क्या है। देखिए क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ही क्या कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, वह कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे भी कर सकते हैं कि अ फ्रैक्शन दैट जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो या छोटा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल में देखिए, 5/9, 13/19, 21/33, 15/17, 4/9, ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, सबके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है, बड़े हैं, तो यहां पे ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, आप अपनी बुक से इसका डेफिनेशन लर्न कर लें, या मेरी बात आप याद रखिए बस इतनी सी कि ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर, ओके। अब हमारा नेक्स्ट आएगा फ्रैक्शन, वो देखेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये हमारा सेकंड फ्रैक्शन। तो यहां पे हमने क्या सीखा था
कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, बस यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर राइज करेगा एंड डिनोमिनेटर छोटा है। इसमें न्यूमरेटर छोटा रहता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा, अगर फ्रैक्शन है न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को मैं अगर 9/5 कर दूं, 17/13 कर दूं, 15/9 एंड 21/7, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इनके डिनोमिनेटर छोटे हैं ना न्यूमरेटर से, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल सी बात, बस इतना याद रखिएगा कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है वह होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है वह होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं आपको ऐसे कुछ फ्रैक्शन दे दूं, अब इसमें आपको छांटना हो कि कैसा आप चेक करेंगे कि कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर में ये बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी इम्प्रॉपर, ये भी बड़ा है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। बट जैसे मैंने देखा यहां पर न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर से छोटा है, देन प्रॉपर आ जाएगा, यहां पर भी प्रॉपर है ना, तो क्लियर है ना। ये छोटी सी डेफिनेशन आपको क्लियर करके रखेगा, ना आपको कुछ लर्न करना है ना कुछ करना है, बस अपने माइंड में ये एक फिगर बना लीजिए कि क्या होता है, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वह प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड, ये दो फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गए। अब इनके बाद हम बात करेंगे, इसमें आपका कौन सा फ्रैक्शन दिया गया आपके बुक में, यूनिट फ्रैक्शन, बस हम देखेंगे अभी मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन होता है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, मान लीजिए होल नंबर मैंने 5 एंड प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरह आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखता होगा, तो इनको हम बनाने के लिए आपका होता है कि होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से बनते हैं, याद रखिएगा अपने माइंड में। जो हमको पढ़ना है वो इनके सिंबल देखिए कैसे कैसे वो डिनोट किए जाते हैं ऐसे। अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, 5 होल, होल नंबर में पहला पढ़ा जाएगा 5 होल 3/5, ये आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये होता है होल नंबर, ठीक है। तो इन ऐसे इनको रीड कैसे करते हैं, 5 होल 3/5, 2 होल 1/6, ऐसे ही पढ़ते हैं, 3 होल 4/9, ये सब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। इन मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते हैं, आप बताइए। चलिए एक मैं एग्जांपल देता हूं, 2 होल 1/5, अगर इसको हम मिक्स से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो कैसे होता है, 5 × 2 + 1/5, यही तो, इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड फिर जो आंसर आता है उसमें ये प्लस कर देते हैं, तो 5 × 2 = 10 + 1 = 11/5, ये कैसा फ्रैक्शन हुआ, वेरी गुड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा आएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन हमेशा कन्वर्ट होकर किसमें आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। याद रखिएगा आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे कि मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं और राइट रीड एंड राइट भी ऐसे करते हैं कि 2 होल 1/5, इनको अगर हम मिक्स कर दें मल्टीप्लाई करके इस तरह, तो ये हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिक्स फ्रैक्शन जब कन्वर्ट होता है तो किस फॉर्म में आता है, तो हम लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, यहां तक आपको फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को मालूम चल गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि कौन सा फ्रैक्शन है, नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। अब बहुत आसान है सर, यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसके न्यूमरेटर में हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कोई भी डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर 1/5, 1/6, 1/98, 1/143, ये सब क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बस न्यूमरेटर अगर 1 है तो क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन आते हैं, अनलाइक एंड लाइक।
अनलाइक में क्या होते हैं डिनोमिनेटर्स, देखो याद रखो बस इतना, आर डिफरेंट, ठीक है डिफरेंट, एंड इसमें क्या होता है डिनोमिनेटर आर सेम। एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल 1/5, 2/9, 3/4/6, 9/4, ये सब क्या है डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है, ये सब अनलाइक फ्रैक्शन। और लाइक में 1/4/5, 9/5, 13/5, 17/5, 16/5, ये सब क्या है सबके डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो ये क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपका फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन थे, बाकी आपको कोई फ्रैक्शन पढ़ने जरूरत नहीं, इसमें और भी दिए गए हैं डेसिमल फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है जैसे सपोज करिए 4/5 का इक्विवेलेंट लिखना है तो बस इनका टेबल पर दे दीजिए, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/5 इंटू 2 तो नीचे भी 2 कर दीजिए तो क्या जाएगा 8/10, ये भी इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 4/5 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 16 एंड 20, ये भी फ्रैक्शन। 4/5 इंटू 3 तो 12/15, ये सब क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर, ये सब क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मीन कोई भी फ्रैक्शन दिया जाए उनका अगर हम टेबल उसी किसी भी नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। बात आई डेसिमल फ्रैक्शन की, एक ही फ्रैक्शन बचा है वो भी पढ़ लीजिए। डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में नीचे क्या होना चाहिए 10, डिनोमिनेटर में 100, 1000, मीन्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड करने पे यहाँ पर डेसिमल ले हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन कराते हैं, तो किसी भी नंबर के नीचे जीरो लगा दीजिए तो डेसिमल फ्रैक्शन हो जाते हैं। क्लियर, 1, 10, 100, 1000, 10,000, आप कुछ भी लिखते जाइए सब क्या होंगे डेसिमल फ्रैक्शन कराते हैं। ऊपर आप कुछ भी लिखिए 56, 120, 20, 135, 140/10,000, ये सब क्या कहलाएंगे आपके डेसिमल फ्रैक्शन। तो टाइप्स आपने फ्रैक्शन के देख लिए कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं आपने सब सीख लिया है। अब आया कन्वर्जन एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, चलिए कन्वर्टिंग ऑफ द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म एक्सरसाइज आप 2.1 देखेंगे, उसमें लिखा है 48/136, क्या कह रहा है कन्वर्ट करिए इनको लोएस्ट फॉर्म में, मतलब इनको डिवाइड करिए जब तक सबसे लोएस्ट फॉर्म में ना जाए। किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, 24 एंड 2, 6, 2, 8, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फिर 2 से 2, 12 जा 2, 3 जा 2, 4 जा 12/34, फिर आप ये कट जाएगा 6/17, अब ये किसी से नहीं कटेगा तो इसका क्या हो गया लोएस्ट फॉर्म। इसी तरह कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, अब किसी फ्रैक्शन को लाइक में लाइक डेसिमल लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 3/4, 5/8, 9/2, इनको क्या करना है हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी ये किसमें है अनलाइक में है, इसमें लाइक में हमको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 2, इस एलसीएम क्या होगा आप निकालेंगे एलसीएम 8 आएगा, तो सबके डिनोमिनेटर को 8 बनाना है, 3/4 इंटू 2, 5/8 इंटू 1, 5/2 इंटू 4, ठीक है। अब 3/2 = 6/8, 5/8 और 20/8, देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए या किसमें कन्वर्ट हो गया लाइक फ्रैक्शन में, ओके। इसी तरह से आपका 2.1 एक्सरसाइज जो आपको मैंने पढ़ाया अभी तक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाए, उनको लाइक टर्म अनलाइक टर्म डेसिमल आपको फ्रैक्शन पढ़ाया गया, उससे रिलेटेड आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आपने अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे हम ये लाइक टर्म पहले बना लेंगे, लाइक टर्म बनाने के बाद हम उनको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर, तो ये आपका एक्सरसाइज होमवर्क है आपका 2.1 सभी क्वेश्चन को ऑल। ऑल क्वेश्चन सभी आपको इस क्वेश्चन को करके लाना, अपना होमवर्क नोट कर लीजिएगा। यह आपका हो गया चैप्टर 2.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज, आपको होमवर्क दिया गया, फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। आज के लिए हमारे पास इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे देखेंगे, ओके।
अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें मैसेज या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।